हम आपको सबसे बड़ी जानकारी देने वाले हैं, कॉलेज या मनपसंद विषय आप कैसे बदल सकते हैं या बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते हैं। तो यदि आप कॉलेज बदलना चाहते हैं, सबसे पहले तो आपको जहां भी आपको मतलब सिलेक्शन मिला है वहां पहले आपको एडमिशन लेना है। बाद में अगर स्लाइड अप सिस्टम अगर शुरू होता है तो हम आपको जानकारी दे देंगे। स्लाइड अप सिस्टम मतलब होता है कि आप कॉलेज बदल सकते हैं, ठीक है। कॉलेज बदल कर जिस कॉलेज में आपको जाना है, जहाँ पे पीजी की पढ़ाई होती है वहाँ जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है ये चीज़, स्लाइड अप में ये सिस्टम ध्यान रखना है कि अगर आप जियोलॉजी से एडमिशन जिस कॉलेज में लिए हैं सपोज डेट, तो उसी जियोलॉजी विषय जो है जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हैं उस कॉलेज में जियोलॉजी डिपार्टमेंट होना चाहिए। नमस्कार साथियों, अगर आप पीजी एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो ऑनलाइन कहाँ एडमिशन चल रही है और ऑफलाइन कहाँ चल रही है, आप कैसे पता करेंगे आपको कौन सा कॉलेज मिला है? ये तो आपको सिलेक्शन लेटर से या फिर मेरिट लिस्ट से जानकारी मिल गई होगी। अगर नहीं मिली है तो इसकी जानकारी भी हम आगे आपको देने वाले हैं। साथ ही साथ किस कॉलेज में ऑफलाइन एडमिशन होता है या फिर ऑनलाइन होता है, इसकी जानकारी के लिए आपको क्या करना है, गूगल पे आ जाना है। अब आपका जिस भी कॉलेज में मिला है उस कॉलेज का नाम यहाँ पे आपको सबको सर्च करना है, नाम लिख करके। जैसे मान लीजिए अगर डी वी कैन है तो डी वी कैन आपको कॉलेज देना है, यहाँ पे सर्च करना है। अब यहाँ पे आपको आना है, मान लीजिए हम सभी कॉलेज को ऐसे बताने वाले हैं, आप बने रहिएगा। और यहाँ पर जैसे हम आ जाएंगे तो इसी तरह से सबका वेबसाइट होता है, हर एक कॉलेज का अपना अपना एक ऑफिशियल वेबसाइट होता है। तो आपको यहाँ पे आ जाना और यहाँ पे एडमिशन का सेक्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो आपको क्या करना है, एडमिशन वाले पे क्लिक कर देना है। अब जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए, अगर पीजी एडमिशन से कोई जानकारी यहाँ पर अगर है तो आपके कॉलेज में या फिर आपको जो भी कॉलेज मिला है वहाँ पे आपका पीजी का एडमिशन ऑनलाइन हो रहा है। अगर नहीं ऑप्शन मिल रहा है तो आपको नहीं हो रहा है। चलिए अब दूसरी कॉलेज की बारी है, दूसरी कॉलेज की बात कर लेते हैं। लगभग मैक्सिमम कॉलेज का हम बताएंगे, आरवी कॉलेज, ठीक है ना। चलिए आरवी कॉलेज की बात कर लेते हैं। आरवी कॉलेज देखकर हमने सर्च कर लिया। अब आरवी कॉलेज का जो भी वेबसाइट होगा ऑफिशियल साइट हमारे सामने ओपन हो जाएगा, हम उस साइट पे जाकर के चेक करेंगे कि यहाँ पर एडमिशन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो चलिए हम आरवी कॉलेज पर आ गए हैं, क्लिक कर लिए हैं। अब यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर भी हमको नीचे आ जाना है और एडमिशन का सेक्शन कहीं पर मिल जाएगा। यहाँ पर न्यू अपडेट मिल गया है, तो यहाँ पर कोई भी पीजी एडमिशन से संबंधित कहीं पर कुछ जानकारी नहीं मिल रही है तो हमको यहाँ पर नहीं देना है। और यहाँ पर ऑनलाइन या फिर किसी तरह की वैसी जानकारी यहाँ पर आपको नहीं मिल रही है एडमिशन से संबंधित, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है, बैक आ जाना है। चलिए अब हम जान लेते हैं दरभंगा के कोई कॉलेज है, ठीक है। जैसे कि अब हम जान लेते हैं, मान लीजिए समस्तीपुर बीआरबी कॉलेज जान लेते हैं पहले। बीआरबी कॉलेज समस्तीपुर, इसके वेबसाइट पर आ जाएंगे। बलिराम भगत ये कॉलेज है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एडमिशन से संबंधित कोई जानकारी है या फिर नहीं है, तो यहाँ पर भी नहीं है। मतलब अगर नहीं है तो समझ जाइए कि आपके कॉलेज में जो एडमिशन हो रहा है वो ऑफलाइन हो रहा है, ठीक है, आपको वहां जाकर के एडमिशन लेना होगा। अगर यहां पे पीजी ऑप्शंस आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपको ऑनलाइन एडमिशन लेना है। तो आप अपने कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर के चेक कर सकते हैं। अगर आप अपने कॉलेज का वेबसाइट देखना चाहते हैं तो गूगल पे सर्च कर लेना है MNC क्लासेस, जैसे कि हमने आपको बताए हुए हैं। फिर आपके सामने ऐसा पेज ओपन होता है, फर्स्ट पेज को ओपन कर लेना है और यहाँ यूनिवर्सिटी अपडेट का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक कर लेना है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे आ जाना है और BSc अपडेट्स पर आपको आ जाना है। जैसे BSc अपडेट्स पर क्लिक करेंगे यहाँ पर इस तरह का पेज ओपन होता है, इसमें तमाम जानकारी आपके लिए दिया गया है। तो यहाँ पे पीजी एडमिशन से संबंधित सब कुछ यहाँ से देख सकते हैं। सेकेंड मेरिट लिस्ट कब होगा जारी ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको सब कुछ A to Z जानकारी मिल जाएगा। आपको जो भी कॉलेज मिला है, हम आपको सिंपल क्या बता रहे हैं, आपको जो कॉलेज अलॉटमेंट में हुआ है उस कॉलेज का नाम लिख करके गूगल में सर्च करना है, फिर उसका वेबसाइट आपको मिल जाएगा। फिर उस वेबसाइट पर आपको अंदर जाकर के चेक करना है कि उस वेबसाइट पर एडमिशन हो रहा है ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो वहां से आपको सारी जानकारी मिल जाएगा। अब कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है इसकी जानकारी आप यहां आकर के ले लीजिएगा। यहां पे आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कब तक एडमिशन होने वाली है, एडमिशन तो हम आपको पहले भी बता दें 19 तक ही होने वाला है, तो चुपके से एडमिशन ले लीजिए, थराक्सिंग नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, आगे सीट वोट कम हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपको यहाँ पर एडमिशन के समय लगने वाले हैं। अब जो हम आपको सबसे बड़ी जानकारी देने वाले हैं, कॉलेज या मनपसंद विषय आप कैसे बदल सकते हैं या बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते हैं। तो यदि आप कॉलेज बदलना चाहते हैं, सबसे पहले तो आपको जहां भी आपको मतलब सिलेक्शन मिला है वहां पहले आपको एडमिशन लेना है। बाद में अगर स्लाइड अप
सिस्टम अगर शुरू होता है तो हम आपको जानकारी दे देंगे। स्लाइड अप सिस्टम मतलब होता है कि आप कॉलेज बदल सकते हैं, ठीक है। कॉलेज बदल कर जिस कॉलेज में आपको जाना है, जहाँ पे पीजी की पढ़ाई होती है, वहाँ जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है ये चीज़, स्लाइड अप में ये सिस्टम ध्यान रखना है कि अगर आप जियोलॉजी से एडमिशन जिस कॉलेज में लिए हैं सपोज डेट, तो उसी जियोलॉजी विषय जो है जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हैं उस कॉलेज में जियोलॉजी डिपार्टमेंट होना चाहिए। ऐसा ना कि आप मान लीजिए कहीं पर आप हिंदी ऑनर्स से आप एडमिशन ले लिए हैं और वहाँ से ट्रांसफर करा के दूसरा कॉलेज जा रहे हैं और वहाँ पे हिंदी ऑनर्स का पढ़ाई होती ही नहीं है, तो ऐसे में आपका एडमिशन रद्द हो जाएगा, ठीक है, और प्रॉब्लम में आप फंस जाएंगे। तो ये सारे चीज़ को ध्यान रखना है आपको। बाकी अगर विषय बदलना चाहते हैं तो प्रिय भाई लोग आप लोग को बताते हैं विषय नहीं बदल सकते हैं अभी आप, ठीक है। विषय बदलना था तो वो ऑनलाइन के समय ही बदलना था, या एडिट का ऑप्शन जब सुधार कर दिया था तो उसी समय बदल सकते थे। उम्मीद है कि पूरी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।